हेलो एंड वेलकम हियर। बीएड में पूछे जाने वाले हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। जैसे कि च जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हम लोग का जो जीभ है वो ऊपर तल में सटता है। तो जब हम लोग च बोल रहे हैं तो त ऊपर के ताल में सट रहा है, तो इसका आंसर हो गया ताल्लव्य। ठीक है, अगर दांत में सटता तो ये दंतव्य होता। ठीक है, उसी तरह कंठ से अगर हम लोग बोलते हैं तो कंठव्य होता, उसी तरह मूर्धन्य होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू कहता है, ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ। तो ये जो ब्राह्मी लिपि है इसे देवनागरी, जो हम लोग कभी कंप्यूटर में भी देखते होंगे, देवनागरी एक लैंग्वेज स्क्रिप्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं हिंदी लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर थ्री भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है। तो जब हम लोग भाषा जो बोलते हैं उसमें छोटी मौखिक इकाई होता है वो होता है ध्वनि। ठीक है, यहाँ पे वर्ण उसके बाद वर्ण होता है, उसके बाद शब्द होता है, उसके बाद वाक्य होता है। चौथा क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द। तो इंद्र भगवान थे, देव थे, तो देव राज, इंद्र देव का पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह पांचवा, जीवन मतलब जानने की इच्छा, जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा शब्द है। तो सबका ऑप्शन जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ जिज्ञासा, यहाँ भी जिज्ञासा, यहाँ भी जिग्नेश, लेकिन यहाँ जो जिज्ञासा है ये करेक्ट शब्द है, जिज्ञासा। तो आंसर होगा जिज्ञासा, ये वाला ऑप्शन बी। छठा क्वेश्चन है, एक का संधि विच्छेद। तो हम लोग ऑप्शन ए और बी में देख रहे हैं, ए और बी में जो एक है लिखा हुआ, ये ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो पहला जो शब्द होना चाहिए वो कोई मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसे सी और डी में दिख रहा है। तो एक और एक यहाँ भी दोनों है, लेकिन यहाँ पे जो है एक ये ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ये सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, एक प्लस एक 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 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर। सातवां नंबर कहता है, अवनति का विलोम शब्द। ठीक है, ऑप्शन जब हम लोग देख रहे हैं तो ऑप्शन ए में है उन्नति, ये तो करेक्ट आंसर ही है, लेकिन ऑप्शन बी सी डी में देखते होंगे उन्नति 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 लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग इसका सही नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर आठ, आठ कहता है, यह प्रत्यय से बना शब्द। तो ऑप्शन बी सी डी में देखते होंगे कि यह शब्द पहले आया, और ऑप्शन ए में देख रहे हैं यह शब्द बाद में आया, तो कृत्य यही है जो प्रत्यय शब्द बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन बी सी डी देखते होंगे कि डंडे का सहारा, अंधे का हाथ की लकड़ी, सभी का सहारा। ठीक है, तो अंधे का जो लकड़ी रहता है वो एकमात्र सहारा रहता है उस अंधे का। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा, एकमात्र सहारा। क्वेश्चन नंबर टेन कहता है, ब्रह्म का शुद्ध रूप क्या है। तो ब्रह्म ए जो दिख रहे हैं वो तो ऐसा कुछ लिखते नहीं है, ब्राह्मण इब्राहिम, करेक्ट आंसर है सी ब्रह्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग उसको कहते हैं जैसे कोई शब्द हम लोग बना रहे हैं उस शब्द के मूल शब्द में पहले जोड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उप उप मतलब पहले। ठीक है,